और है, रो क्यों रही है? सोचा शायद स्कूल ओपन है, तैयार करके स्कूल भेजा, वहाँ आ गई है तो स्कूल बंद है। फिर बच्चों तो कल से लाइट भी नहीं है, लाइट बार बार जा रही है, नेट बंद है, ये बहुत परेशानी है, फेसबुक बंद है। अच्छा फैसला नहीं है जो किया गया इमरान। हाँ, बहुत गलत किया गया उसके साथ। लीडर है और लीडर के साथ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबको? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज। सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, दोपहर का टाइम हो चुका है, तकरीबन 11 बजे का टाइम है। सुबह बच्चों को उठा के भेजा था स्कूल, हालांकि छुट्टी वगैरह ऐसा हो तो स्कूल वालों में मैसेज आ जाता है, मैसेज नहीं आया था, हमने सोचा शायद स्कूल ओपन है, तैयार करके स्कूल भेजा, वहाँ आ गए तो स्कूल बंद है। फिर बच्चों को वापस ले आए, बस फिर तब के भी लेटे हुए थे, फिर अभी उठे हैं, उसके बाद अब ना रहे नाश्ता। कल से जो है बड़ा बहुत परेशानी बनी हुई है, खाली हमारी परेशानी नहीं, पूरे मुल्क की परेशानी बनी हुई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इमरान खान के लिए लाजमी दुआ करें और अपने मुल्क के लिए खास तौर पे खुसूस दुआ करें कि कोई भी हुक्मरान हो, आपके ऊपर अच्छा हुक्मरान है, और इमरान खान के लिए खुसूस दुआ करें। जो कल से मुल्क के हालात चल रहे हैं, इतनी परेशानी बनी हुई है, तो अपने क्योंकि इमरान खान जो है वो हमारा हीरो है, तो अपने हीरो के लिए दुआ करना ज़रूरी होती है और लाजमी उसके लिए दुआ करें। तो बस अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो नाश्ता करेंगे, नाश्ता बनाऊँगी, फिर बच्चों को नाश्ता दूँगी, उसके बाद जो भी आज की रूटीन होगी आप उनके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो अभी यही परेशानी है, कल सारा दिन, कल सारी रात बस इसी परेशानी में गुजर गया। तो कल से लाइट भी नहीं है, लाइट बार बार जा रही है, नेट बंद है, ये बहुत परेशानी है, फेसबुक बंद हो रहा है, यूट्यूब बंद हो रहा है, ये बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन हो गई है। पता नहीं हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें। तो मैं बच्चों को नाश्ता बना के दूंगी, जो भी आज की रूटीन होगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों की क्या राय है, और आप लोग प्लीज़ अपने मुल्क के लिए लाजमी दुआ करें। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पीछे बच्चों ने बड़ा वक्ता डाला हुआ है, शोर शराबा उनका आ रहा हो, मैं फटाफट उनको नाश्ता बना के दूँ, फिर बाकी जो भी दिन की रूटीन होगी आप लोग साथ शेयर करें। हेलो, क्या बात है? नहीं, फुल कड़क धूप है। यहाँ पे जी चल रहा है नाश्ता, ये है कल वाला सालन, ये पराठे हैं, और ये चाय, और ये दही, और ये हमारा आहद है ना जी, आहद। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता आप हमेशा नाश्ते के टेबल पे इस्लाम करते हैं। यहाँ जी हम जा रहे हैं नाश्ता, वहाँ पे हम दान कर रहे हैं, वो किधर गया, अंदर चला गया। तभी करते हैं नाश्ता, और आप बताएं जी आपकी क्या राय है मुल्क की सूरत हाल के ऊपर? अच्छा फैसला नहीं है जो किया गया इमरान खान के साथ। हाँ, बहुत गलत किया गया उसके साथ। लीडर है और लीडर के साथ ऐसा नहीं करेगा, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यही तो सब परेशान है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों ने क्या मिलेगा इनको, बोटियों पे लड़ाई चलती है यहाँ पे, बुटी 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 गुगु। दोपहर के 4 बज गई हैं, मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, बस इसी टेंशन में पड़े थे कि क्या मुल्क में चल रहा है, सुबह से बस वही देख रहे हैं। तो अभी बच्चे गए हैं अकेडमी पढ़ने, तो मैं अभी पीछे आपको थोड़ा शोर आ रहा होगा, थोड़े घर के पास जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके बाद शोर आ रहा होगा, तो अभी मैं आप लोगों को घर दिखा देती हूँ, घर का बहुत बुरा हाल है, सारा घर साफ करना है। और इसी व्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं करने वाली हूँ, तो आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। और मैं पहले आप लोगों को घर की कंडीशन दिखा रही हूँ, घर की जो है कुछ इस तरह सूरत हाल है, किचन भी काफ़ी गंदा हुआ, सारा किचन साफ करना है, घर भी गंदा हुआ है, वहाँ पे आहद है, वहाँ पे बैठे स्टिल न्यूज़ सुन रहे हैं। हाँ जी, क्या बना? इस्लामाबाद में बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ रहे, 10-10 माह के बच्चे, 8-8 माह के बच्चे, उनको भी पकड़ा जा रहा है।
बहुत बुरे हालात हैं, अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे। पहले कहता जी इलेक्शन के लिए फौज नाम नहीं दे सकते, अपना पूरे फौरन करने की मजबूरी हो गई। क्या बात, बेईमान लोग हैं ना, बस ऐसा ही आहत क्या कर रहे हो। तो बस यहाँ पे जी हैं कपड़े, इनको भी तैल लगाना है, बहुत दिन के पड़े हैं, इनको भी आज लाजमी करना है। और कपड़े धुलने वाले हो गए, कल या परसों लगाऊंगी मशीन, कपड़े धोऊंगी। 2-1 क्या कर रहे हो बेबी, क्या कर रहे हो, ऊपर चल गई, हेलो कर दो, हेलो। हाँ जी, क्या हो रहा है, रो क्यों रही हैं? मैंने रुला दिया। अच्छा, प्याज कड़वा काट रही है, आप खुद भी रो रही है, हमें भी रुला रही है साथ में। प्याज काट रही है। ओए ओए, मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो क्या बनाने क्या लगी? मैं ब्लैक चने वाले चावल बनाने लगी। ऐसा क्यों, काले चने वाले चावल याद आ गए आज आपको? पहले मैंने सोचा सालों में बना लेती, फिर मैंने तो चावल बना लेती। तो मतलब प्याज असल है ना, जे ले जी, आह साहब भी आवे जी। हाँ जी, आह साहब ऊपर जाओ, आऊँगा, जाओ जी ऊपर जाओ जी आप। चलो फिर आप तैयारी करें, ना जाके फिर बच्चों को लेके आओ। टमाटर है? चलो बस रोना बंद करो, कोई देखेगा कि बाकी मैंने मतलब नहीं, हस्बैंड ने क्या कह दिया इनको। मिर्ची है, ओए हाई हो जाएगी मिर्ची, आइस पे लग जाएगी, रख तो है नहीं लगाना आइस को अब। हाँ, तो भी माशाल्लाह सारा कुछ पता चल रहा है, अब बड़ा हो रहा है ना ऐसे। तो मैं क्या जी, मैं प्याज कर रही हूँ ब्राउन, और इसी तरफ ये देखें जी मेरे हो गए हैं ब्लैक चने बॉयल, इनको मैंने बॉयल कर लिया था, इनको मैं कर लूँगी अब अच्छे तरीके से ब्राउन। यहाँ पे देखिए जी मसाला तैयार हो रहा है चावलों के लिए, और ये इमली है, मैंने थोड़ी फ्रीज करके रखी हुई थी, तो ये मैं डालूँगी। इधर जो चने मैंने डालने हैं वो निकाल लिए मैंने, तो ये सलाद है, और अभी इसमें है चने, इनको जो मैं निकाल के मैं फ्रीज कर दूंगी, फिर ये किसी और दिन काम आ जाएंगे, या सालन बना लेंगे या फिर किसी और तरीके से खा लेंगे। तो ये जो भी मैंने डाल लेंगे चने मैंने निकाल लिए, ये चने जो है ना हमारे बिल्कुल गले हुए, देखो ये कुछ सही तरीके से गले हुए चने हमारे। तो मसाला जो है हमारा यहाँ तैयार हो गया, और इसमें मैं ये डालती हूँ इमली, ये जमी हुई है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी चने, थोड़ी सी भुनाई करूँगी, फिर इसमें मैं डालूँगी बिरयानी मसाला, आप चाहे तो पुलाव मसाला या चिकन क्यूब खुशबू के लिए जायके के लिए डाल सकते हैं, मैं बिरयानी मसाला डालती हूँ, तो मेरे बच्चों को बिरयानी का बहुत शौक होता है, तो उनको पसंद आता है। मैंने इसमें डाल दिया बिरयानी मसाला, अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखें, ये इमली है, ये खुद ही हो जाएगी, ये असल में वो इमली की गिटके नहीं है इसके अंदर, इसका गूदा है इमली का, गिटके निकाली हुई हैं, 3 कड़ी पत्ता। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, गरम मसाले डालना भूल गई थी, वो मैं भी डाल लूँगी, आप भूल जाएं तो डाल लें बाद में जब आपको याद आता है। इसमें तमाम मसाले मेरे पास, इस समय छोटा पैकेट है, चावल मैंने बना लिए थे, दम मैंने लगा दिया था, अब मैं खोलने लगी दम। ये देखिए जी माशाल्लाह, धुएँ देखिए कितने ज़बरदस्त है। ये देखिए जी हमारे चावल, लेकिन पता है क्या हुआ है, इनका जो कलर है ना वो ज़रा ज़्यादा डार्क हो गया है, एक तो ये वजह हो सकती है प्याज की वजह से, दूसरा जो मैंने चनों का जो पानी डाल दिया था ना, मुझे लगता है उसकी वजह से इसका कलर है ब्राउन ब्राउन सा हो गया, जैसे गुड़ वाले चावल नहीं होते, लेकिन देखने में बहुत मजे लग रहे हैं। और यहाँ पे हम करने लगे हैं डिनर आज,
हाँ जी, और ये बच्चों का है फायर ट्रक, और ये इनका एरोप्लेन। वाओ, तो सभी हम यहाँ करने का डिनर, जायके में तो बहुत मज़े के बने, बस कलर जो है ना इसका, या तो मुझे वो पानी नहीं डालना चाहिए था चनों वाला, हो सकता है कि उसकी वजह से ऐसा रंग हो गया हो, ऐसे गुड़ वाले चावल होते हैं। खैर, खा के देखते हैं अभी कैसे बने। यम्मी बना, मैं खाता हूँ। खाती हो? यम्मी है, यम्मी है।